तो स्वागत है प्यारे बहन भाइयों आपका हमारे व्लॉग में। आयत सुबह सुबह रेडी हो गई है, उसके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है। और ये देखिए आयत ने गाउन पर फिर अच्छा हाँ सॉरी सॉरी फेयरवेल है मैं भूल गई थी, फेयरवेल है। टेंथ वाले जा रहे हैं तो ये नाइन्थ वाले लोग, हाँ ये नाइन्थ वाले लोग हैं ना, उनको बाय बाय कर रहे हैं। और गाउन पहन के आना कंपलसरी था, इसलिए आयत ने ये गाउन पहना है। और अभी आयत बहुत देर तक बहुत नखरे करेगी। अच्छा वो आयत मेकअप नहीं करती है, वरना आयत को सुबह जाने के लिए रात से ही तैयार होना पड़ता। वो तो वो खाली है ना, बाल बनाने में ही 20 साल लग जाएंगे अभी, है ना। आयत के स्कूल के बहुत सारे बच्चों के पहली वालों के भी फेयरवेल हो जाएंगे साथ साथ, क्या बोलता है। और तू कहाँ जा रहा है आज? मैं जा रहा हूँ मस्त खाना खाने यार। आज ये तो जा रही है स्कूल, हाँ ये 5 बजे आएगी, दाल चावल ही खाती रहेगी वहाँ पे। और ये जैद, मैं और आरिफ हम तीनों जाएंगे एक रेस्टोरेंट में, आप लोगों को साथ लेके जाएंगे और हम लोग वहाँ खाना खा के आएंगे, ठीक है। ये खाए और हम लोग ना खाए, ये चटोरी खा के आए, चटोरी तो नहीं है, इसके पसंद का कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पे, है ना। बीच में तो दाल बाटी होने वाली थी, ये दाल चावल से भी चली जाती, फिर पूरा इतनी देर तक भूखी रहती। दाल बाटी घर में हमारे टेटली से नहीं उतर रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि महंगा पैसा दे के खाओ। एक बार तो नहीं, 2-3 बार साल में बनती है, जब बुआ आती है। हाँ बुआ साल में 3-4 बार आती है। तो 5 बार आई है इस बार, 6 बार तेरी बुआ तो साल में, 5-6 बार साल में बना, तो जब भी बनता है तो बुआ रहती है यहाँ पर, तो मजबूरी में खा लेती है ये, वरना तो दाल बाटी खाने का सवाल ही नहीं उठता। हम लोग आज रिलायंस मॉल के बगल में एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, उधर हम लोग खाना खाने जाने वाले लंच और डिनर, मतलब ये समझ लो ब्रंच होता है ना, जैसे लंच और नाश्ते के आप बिटवीन, वैसे हम लोग लंच और डिनर कर रहे हैं। रुको ब्रंच ट्रंच नहीं, ठीक है जो भी होगा छोड़, अभी नाव नाव करके जल्दी से आ, फिर अपन चलते हैं, फिर थोड़ा हम लोग मॉल भी घूमेंगे, मस्त आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। कुछ भी मत बोल, आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी, ठंडी है। खिलाऊंगी, खिलाएगी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खिलाएगी। वो बात की बात है, देखा जाएगा। पहले तू जा, जल्दी से नाऊ नाऊ कर, तैयार हो फटाफट। हाँ। चलते हैं। तो दोस्तों बाहर जाने के लिए तैयारी हो रही है, ये अपने दो दो ड्रेस निकाल चुकी है, कौन सा पहनू, अब उसको प्रेस करने के लिए बैठी है। जैद ने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रहा है, ब्लू और व्हाइट। अच्छा, तो जैद ने बोला मैं भी ब्लू पहन लूं, मुझे बोला है ब्लू। तो मैंने दो निकाल लिए हैं ब्लू, और कौन सा वाला पहनेगी? ये वाला पहन लूंगी, पर इसको भी प्रेस कर लेती हूँ, इसको एक ही बार पहना। अच्छा, और ये काफी गरीब दिखने लग गया। फिर अभी ये मैंने 1000 रुपए में लिया था, और इसके अंदर दुपट्टा भी नहीं, और मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ओके। हो सकता है प्रेस होके ठीक हो जाए, शायद धो धुआ के ऐसे ही रख दिया, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। दो एक बार तो पहन ही लेंगे। ये देखिए, ये ब्रांड नेम है, क्या नाम है ब्रांड का? फैशर। कपड़े पहनना तो अच्छा है, प्रेस करना बहुत भारी काम है। यो मजे करो, प्रेस करने में भी मजा है। कुछ मजा नहीं है, नफरत चढ़ती है मुझे, नफरत। और कोई प्रेस के पीछे कोई बात, कोई किस्से है? प्रेस के पीछे किस्सा है, एक बार की बात बताती हूं। एक बार की बात है दोस्तों, हम लोग जाने वाले थे मेरी नानी के यहाँ पे। अच्छा, 2 महीने की छुट्टियों में। अच्छा, हर साल जाते थे गर्मियों में, तो फिर तप्पी ने क्या की, तप्पी तो बहुत फेमस हो जाएगी यारी, फिर इसके बाद तो अब रोज अगर तप्पी का एक एक कारनामा बाहर आएगा ऐसे फेमस। तप्पी ने क्या की, नया ड्रेस एकदम, पता नहीं अम्मी का था या हम लोग में से किसी का था, प्रेस करके और उसको जला के और समट के लेके चले गए नानी के यहाँ पे। बताई नहीं कि जल गया है, साथ में लेकर चले गए, वहां जाके पता चला कि ये तो तप्पी ने मुंबई में ही जला दिया था प्रेस। अम्मी का ड्रेस, अब अम्मी का था या हम लोग में से किसी का था, मेरे को याद नहीं है, तप्पी को ही पूछना पड़ेगा, उसको फोन करूंगी ना, पूछूंगी कि किसका जलाई थी भाई। ये तो वही बता सकती है। फिर गया वहां जाके, अम्मी को पता चला, अम्मी क्या ही उखाड़ लेती तप्पी का, तप्पी तो ऐसे नुकसान चलते फिरते ही कर देती थी। अम्मी ज्यादा ज्यादा डांट देती है बस, और क्या।
मारती नहीं है ना, हमारी मम्मी मारती नहीं है, डांटती है बस। अच्छा, डांट डुटा के रह गई होगी आपको। तभी के कारनामे कैसे लग रहे हैं आप लोग हमको, है ना, कमेंट करें, कमेंट करके बताइए। ऐसे ऐसे कारनामे बताऊंगी ना तभी के, ऐसे ही उल्टी हरकतें करती थी, नुकसान करती थी छुपा देती थी, नुकसान करती थी छुपा देती थी। अभी तैयार हो गए हम लोग प्यारे बहन भाई हो, और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, हम लोग जाने वाले थे, क्या नाम था जगह का, गोवर्धन, हाँ गोवर्धन थाली वाला एक होटल है, वहाँ जाने वाले थे, पर वो लोग की 300 रुपए की थाली है पर पर्सन की। अब हम लोग चले तो जाए, लेकिन हम लोगों में शायद आरिफ और जैद तो खा भी ले, पर मैं तो इतना खा नहीं पाऊंगी, तो हम लोग अनलिमिटेड वाला नहीं खाना चाहते। हम लोग ऐसा है कि एक थाली हो जिसके अंदर वो जो भी दे दे और वो उतना हो, तो हम लोग ने अब वहाँ जाना कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं राधा कचोरी, जाके हम लोग थाली खाने जाते हैं। आरिफ को तो खानी ही नहीं होती है ना, पर हम दोनों के लिए हम लोग तो पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपन उधर चले जाए, क्या वो कौन है मिठाई वाला, दिल्ली थाली चले जाए। हाँ, और फिर उधर मैं और पापा अनलिमिटेड थाली ले लेते, आप वो बोलो कि लिमिटेड वाली थाली ले लेना, पर उसके लिए एज होना चाहिए ना, उसकी एज रिक्वायरमेंट। हाँ, एज रिक्वायरमेंट है, क्यों 12 साल के अंदर। आयत गई थी ना, तो आयत को दिलवा दिया था, तो आयत रोई कि मुझे कम दिलवा दिया, तो फिर वो उसके सामने तो आयत को ही दिलवाया था, फिर वो मैंने ले लिया था और अनलिमिटेड वाली आयत, और आयत से खाया भी नहीं गया ना, आयत ने मुझे खाने दिया ना खुद खा पाई, पर नहीं मेरा पेट भर गया था उसके अंदर भी, हो गया था। अब हम लोग रेडी है, हम लोग जा रहे हैं। ये आदमी बस ऐसे ही जा रहा है, इसका मन भी नहीं था, इसको नहीं खाना था वो। अरे तो वो ये जो अपन यहाँ से पनीर की भाजी जी खाते, वो लोग थाली वाला खाना नहीं देते पापा? रुको, हम लोग खा लेंगे अपना, पापा को हम लोग पनीर वाली दुकान पे खाना खिलाने बिठा देंगे, तब तक अपन रिलायंस घूम लेंगे। नहीं नहीं अरे प्लीज आज हम लोग के लिए खा ले प्लीज, समझ थोड़ा, तू भूखा रह जाएगा, मैं घर पर खाना नहीं बनाऊंगी, फिर पहले ही बोल। तो फिर आप डिमांड चलोगी बाद में, या बाद में रिलायंस चलोगी? बाद में डिमांड पे क्या बट रहा है, क्या लेने जाएगा? नहीं आपको घूमने आ जाना, रिलायंस आ जाएंगे, घर आ जाएंगे चुपचाप से, क्यों वही फैसला करेंगे, और आप लोगों को जब भी फैसला होगा पता चल जाएगा। अब तू तैयार तो हो जा, पहले 100 दिन हो गए, और आलू तो मस्त उधर 500 रुपए में दाल चावल खा रही होगी, या दाल बाटी। तो ये बात है यार, ये गलत है, 500 रुपए में खा रही है। आयत के पास मोटा बजट है, हाँ। लेकिन आयत खाने वाली नहीं है, हम लोग का छोटा बजट है, लेकिन हम लोग खा सकते थे वैसा था, हाँ। अगर भर भर के हम लोग खाते ना तब तो कोई बात नहीं, 300 रुपए दे देते उसको, लेकिन हम लोग इतना औरत की तरह खाते भी तो नहीं है ना। चलो रेडी हो चुकी है, और मैंने भी नीला ड्रेस पहन लिया है, दोनों में से ये वाला ब्लू वाला मैंने, ये भी नीला नीला। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ राधा कचोरी में दाल थाली खाने के लिए, और जैद भी खा रहा है अपना, घर पे भी खा लेता हूँ मटर सब्जी, ये भाजी रोटी खा रहा है, मटर सब्जी हो जाती घर पे भी, ये भाजी रोटी बराबर खा रहा है। ये जैद गया था कचोरी लाने के लिए, थाली खाने के बाद कचोरी खाना है इसको, गरम है गरम है। चलो बहुत बढ़िया, पैसे बचे गए। अरे वो भी अगर समोसा बोलेंगे तो ऐसे ही बना के देता है, नहीं पूरा समोसा भी देता है। चलो दोस्तों अभी राधा कचोरी आए हैं तो कड्डी कचोरी तो खाना चाहिए ना, सही बात है। राधा कचोरी नहीं आया तो कचोरी नहीं खाए तो क्या, हाँ कड्डी कचोरी तो खानी है, इसलिए हम लोग ने कड्डी कचोरी भी मंगा ली है, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और हम लोग आ गए मेरे बहन भाई, और मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बता, जरूरी बात बताने देना, बाहर इतनी गर्मी है जनवरी में, कितना काला ऐसा लग रहा है मई है, काले हो गए ना अपन धूप में इतना घूमे तो। एक सेकंड कैमरे में देखो आपको मेरे को कौन ज्यादा काला दिख रहा है, मैं काला कलर का काली जाके, हम लोगों ने बहुत सारे रील शूट किए आप लोग जाकर देखे, और जनवरी में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है वो मेरे को नहीं पता। तो दोस्तों आप लोग को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थाली वाला खाना कैसा लगा आपको जरूर बताएं, थोड़ा कमेंट करें प्लीज। अभी तो आलू भी आएगी ना, हाँ अभी तो आयत को लेने भी जाना है, उसके एनुअल डे कैसे हुआ वो भी आके बताएगी। टोटल वाली टी शर्ट लेके आए, और मेरी चॉइस थी, हाँ ये वाली, ये क्रॉप टॉप है, अब देखो आयत को पसंद आना चाहिए, वैसे तो उसने मना किया था कि उसके बिना खरीदना नहीं है। अच्छा, पर जैद ने जिद किया, ले लो ले लिया, मैं अपने लिए एक व्हाइट लेगी लेके आ गई, हाँ ये लेगी, हाँ उधर गए थे तो उधर डीमार्ट नजदीक ही है इसलिए फिर से चले गए, सही है।
और दोस्तों और आलू चिल्लाएगी देखना, बोलेगी मेरे बिना काट जा रही हो, कितना मैच हो रहा है। और ये चड्डी लेकर आया ये, अरे तो अब इसको अभी गंदी कर देगा। ये चड्डी क्या इस टी शर्ट से मैचिंग हो रही है क्या आप लोग बताएं? सही सही बता, मैच हो रही है पूरी। दिखाओ यार ये टी शर्ट, पर्पल पर्पल इन द फैशन। इसने वहाँ ये लिया और मेरे को वहाँ पर बोल, मैं उसको बोल रही हूँ बाबू मत फालतू खर्चा कर, इसके पास चार चार एक्स्ट्रा चड्डियाँ पड़ी हैं, पर ये माना नहीं, बोला नहीं दिलाओ, इसको दिलाया। तेरे आंखों के डार्क सर्कल बहुत दिख रहे हैं। हाँ तो दिखेंगे ही ना, मैं सो नहीं पा रही हूँ, धूप में मेरे बाल, धूप में काली भी हो गई है थोड़ी सी। हाँ और ये बाल अब खुद पुतरी जैसी बाल कर रही है, और फिर बोले कि मेरे ऐसे क्यों शूटिंग करते हो, क्या कर रही है तू? अरे मेरे बाल टूट गया, फेंक गुच्छा इतना खींच के क्यों तोड़ी, निकल ही नहीं रहे थे। देखो बस ये वाले चड्डे जो एक्स्ट्रा है, सब अच्छे एनिमे एनिमे वाले जो मैं अपने लिए लेकर आया था, वो भी एक्स्ट्रा हो गया ना। ये चड्डों का मैं अपने लिए लाया था, मेरे लिए अब फिर से शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये लगा जो बजट होगा ना उसमें कटौती करनी पड़ेगी। इनका बजट तो ये खुद का बजट भी खा लेंगे और तेरा और मेरा बजट भी खा जाएंगे, ये ऐसे हैं खून चूसने वाले। सारा कपड़ा मेरा हो जाएगा। एक सेकंड, मुझे खर्चा मिलता है मेरे पर्सनल के लिए, उसके अंदर से आरिफ भी शॉपिंग करता है, बच्चे भी शॉपिंग करते हैं, और मेरे को अंत में कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत कुछ एक आधा ड्रेस मंगा लेती हूँ मैं ड्रीम सिंपल का देख के, आरिफ को पैसे मिलते हैं, आरिफ पता नहीं कहाँ उन पैसों को कहाँ आग लगा के, पापा की आग लग जाते हैं, और कुछ घर में खरीद के आता भी नहीं है। और मेरे तो घर में ही खर्चा करवा देते हो तुम लोग, दोसे के डो में खर्चा करवा देते हैं इन लोग मेरा तो। हाँ हम लोग मॉल से दोसे का डो लाए, अब मैं आप लोगों के लिए शानदार डोसा बनाऊंगी, बस चटनी नहीं बनाऊंगी, वो मत बोलना प्लीज, वो नहीं होएगा क्योंकि हमारे पास मिक्सर ही नहीं है, पर आलू की पीली भाजी और डोसा ये बनाएंगे, कल शाम को बनाऊंगी। हम लोग आयत के लिए डिमार्ट से कुछ लाए, ये मेरी पसंद थी, अभी देखते हैं आयत को अच्छा लगता है नहीं। खोल के दिखा, क्रॉप टॉप, अच्छा पल्ले, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल। आयत तो एकदम शांत हो गई, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल कैसा लगा देखो, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तूने अपने पैसे से खरीदा है जो तूने अब तक? नहीं, चॉइस है मेरी बस। तेरी चॉइस है, और कौन सा था, ग्रीन कलर का? नहीं था, ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर ही लाता, वरना ब्राउन था, मरून था, और उसपे एक पे स्पंजबॉब बना था ब्राउन पे, वो अच्छा नहीं लग रहा था, ब्राउन और स्पंजबॉब साथ में, ये सही लग रहा था, सही है। देखो पसंद आया? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ। देखा, इधर पापा और मम्मी खुश हो रहे थे, ये आयत अगर नहीं लेके हम लोग पैसा छीन लेंगे सेठ का। देखा, आयत को पसंद आया। लेकिन अब ये बोर्ड तो रहा है कि मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो देत को तेरी तरफ से ही देना चाहिए। दे, प्लीज बेटा। दस में से कितना देना चाहिए? ये टी शर्ट को 10 में से 10 दूंगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। देखा, 10 में से 10 कमाल है, कमाल। देख लिया। मम्मी बोली थी, ओ शायद शायद को अच्छा नहीं लगे तो क्या करेगी। देखा, अच्छा लग गया। ये मम्मी वापस रखवा रही थी मुझसे, मैंने बोला नहीं, मेरी पसंद आपको अच्छी लगेगी। मुझे निंजा टर्टल अच्छे लगते। देखा, निंजा टर्टल तक अच्छा लगता है। इसको मैं पहनूंगी अगली बार। अच्छा है ना सब? बहुत अच्छी है। देख लिया मम्मी? ये मेरी वाइट जींस पे। मेरी जीत हुई। पूरा घर तोड़ देगा ये तो चिल्ला चिल्ला के। हाँ, जो तुमने खाया नहीं। मैं भी साथ साथ बताता हूँ, हम जब हम लोग डायरेक्ट गए थे, हम लोग को संतरे दिए थे, तो तू अपने जब भी तेरा टेंथ का, मेरा नाइन्थ का था, मैं मेरा नाइन्थ वाला आज के नाइन्थ वाले से कंपेयर करता हूँ। हाँ, फिर तुझे तुम लोग फिर बाद में क्या क्या था खाने में? खाने में लंच में था दाल रोटी और पनीर, क्या बोलते हैं, मटर पनीर, और था मिक्स वेज, जिसके अंदर मिक्स वेज में दिया था। हाँ, मिक्स वेज थी और पानी दिया था। हम लोग को दिया था दो, एक पनीर की सब्जी, एक दाल, एक रोटी
और चावल और गाजर का हलवा तो इसको भी था, दोनों में गाजर का हलवा सेम था। हाँ, गाजर का हलवा स्वीट डिश, और कुछ नहीं दिया। मेरे टेंथ वाले में हम लोग को दिया था मंचूरियन सबसे पहले, फिर हम लोग को मिठाई दी थी कोई सी तो मेरे को याद नहीं, फिर हम लोग को दो तरीके की पनीर की सब्जियां दी थी, रोटियां दी थी दो तरीके की, और चावल दिया था। हमें नहीं, मैंने खाया ना दाल चावल, पर बताना भूल गई। मैंने दाल चावल खाया पर थोड़ा ही दाल चावल खाया। 500 रुपए बर्बाद करके आ गई तू तो। खाई थी मुझे नहीं पता, पर रोटी इतनी बड़ी मैंने खाई बहुत। मम्मी आयत ने 500 रुपए बर्बाद कर दिया अपना। सब खाते हैं। हाँ, मैं पापा और मम्मी 500 में खा के आ गए। 500 भी मम्मी नहीं, 340 रुपीज में खा के आ गए। 100 की थालिया तीन और 20-20 के दो, एक समोसा कड़ी, हाँ छाछ भी 30 रुपए, तो 370 रुपीज में हम लोग खा के आ गए। और सोच तो 500 रुपए में सिर्फ इतना सा। और अब से हम लोग उधर नहीं जाएंगे, अब से हम लोग गोवर्धन थाली में जाएंगे खाना खाने, या फिर दिल्ली थाली में जब भी थाली खाने का मन करेगा। नहीं, पापा ने कहा इससे तो चिकन ही खाने चले जाएंगे। हाँ, इससे तो चिकन खाएंगे।